पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक स्कूल बंद, कई ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स भी करी डायवर्ट। ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। सरकार ने यूनियन से की हड़ताल वापसी की अपील। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से निपटने की तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नारा तैयार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लेकर उतरेगी बीजेपी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीजेपी का प्लान, दिवाली जैसा माहौल बनाने के निर्देश, 2 महीने तक चलेगी मुहिम। पाकिस्तानी हिंदू उम्मीदवार सवीर प्रकाश का बयान, कहा मैं सच्ची हिंदू, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के लिए ब्रिज का काम करूंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी तैयारी, गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच बुलाई विधायक दल की बैठक, अपनी पत्नी के लिए सेफ सीट भी खाली करवाई। सीएम योगी ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार के दिए निर्देश, आगरा कानपुर मेट्रो के लिए भी सीएम योगी ने की समीक्षा। बीजेपी नेता का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा ओवैसी को राम मंदिर रास नहीं आ रहा। और आज से केप टाउन में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच, जीत दर्ज कर 2 मैचों की सीरीज ड्रॉ कराने के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।